बाकी अभी हमें व्यवस्था से दूध के व्यवस्था से उभरने की जरूरत है। हम अगर व्यवस्था को बिठा देंगे और आप लोग को व्यवस्था के साथ ऐसे बेच जाएंगे तो व्यवस्था से उभर नहीं पाएंगे। पहला काम हमारा आपदा में व्यवस्था से उभरने का होता है, चीज़ों से उभरने का होता है ताकि आगे सोच के आगे की कार्रवाई करवाई जा सके। तो आप लोग मेरे पे विश्वास मान के चले, मेरी मशीन बुला लेगी, ये मशीन लग जाएगी, कार्य शुरू हो जाएगा अगले 1-1.5 घंटे के अंदर। कृपा करके प्रशासन को, प्रशासन का सहयोग करें, प्रशासन के साथ खड़े हों। प्रशासन आप लोगों से दूर नहीं है, बिल्कुल बहुत दूर है। नर वालों को लेके यहाँ पे 2-3 दिन में जो भी आपकी चीज़ें आप लिख के दे दो, उसके बाद फिर उस पर जो टेक्निकल चीज़ देखी जाती है वो पूरी करके फिर उसका कार्य शुरू करें। ऐसे इसमें ना पिछले 3 सालों से देख लें, पानी जो है 10,000 के, पानी आ रहा है 20,000 के आप, और बाकी लोग भी बच्चे हैं वो पूरी की पूरी कर दी जाएंगी। एनजीओ साहब आज इसलिए बुलाए थे मैंने हम पे, ये लग के अपनी टीम के साथ आज से कार्य शुरू करवा दें, ठीक है? चलो कार्य शुरू करवाएं, दिखा दो पर कार्य शुरू नहीं देखो मेरी बात, वो खुल आ गया है अब फिर फिर पुल पे चलो, पुल के साथ और इसके दर बढ़ाए जाओगे जी, इस टाइम तो नहीं होंगे जी पटरी, वहाँ देख लो जाओ पटरी पकड़े होंगे आपको। यस सर मैं बिल्कुल शुरू करवाता हूँ सर, यहाँ पे मौके पे ही बिल्कुल सर हमारी पीड़ा यही है सर, कुछ नहीं इसमें बीच में से ले लो नदी छोटी सा इसके ऊपर पानी सारा पानी ऊपर बुरा ले गया 5-7 गुआ, मतलब ऐसा है कम से कम भी सब खाने पीने का सामान चारा सब खत्म हो गया, खेतों पर चले गया पानी। दूसरी बात, तुरंत प्रभाव से इस पर काम लगाया जा, इसको बंद करवाया जा, क्या कारण है? जो सरकार कार्य करवा सकती है। वो पानी आज भी पटरी तोड़ने के बाद भी बहुत है, वो पानी आज फिर भी वैसे का वैसे ऐसी साहब ने पीछे 50 फुट पटरी ढोवाई जी, उन्हें ओके की रिपोर्ट दी 6 मई को, और फिर इन्होंने एप्लीकेशन दे देगा हमारी ऑफिस का। जो आप बता रहे हैं सारी चीज़ें, लोग जो भी इसे कल्प्रिट पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई, ठीक है जी? इस चीज़ का आश्वासन मिल जाए आप 100%। चलो प्रेजेंट की बात ले लो, हमारी प्रेजेंट की क्या है जी, पूरा देखो जी, आपने पूरा बंद करता है, इसका समाधान हो, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जिसका, ये नया है, देख ले देख आप तो नहीं करे तो उधर का टुकड़ ले देने टुकड़े दिए फिर हम जी ना जान का नक्का कटवाए को आपने कहा था, यो टुकड़ नहीं खा देने का मुर्गा, क्या कारण रहे? ये मलिकपुर बंगर के गांव के हैं जी, 5-6 शरारती तत्व है जी, 10-12 जो हैं, इन्होंने बांध तोड़ा जी, मेरा प्राइवेट बांध था, इन्होंने कसियों के साथ कटे, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है, और इन्होंने यूँ कहा कि पिछला बांध तम काटे और अगला तिरवाड़ा देखा। हाँ जी, हाँ जी, आगे जी, तो शिकायत करी आप? शिकायत करी जी, ये थाने में FIR दर्ज करवाई। कौन से? ये बिलासपुर थाने में। नाम? राजेंद्र सिंह है जी।
तो उनके नाम पहचानते हो कुछ? हाँ जी, जी क्या क्या नाम है? ये बिट्टू राणा है जी, और गुरदयाल है जी, एक प्रदीप है जी, नन्ना है जी, मीरा है, और सिलिंदर है, एक काला है जी। यार 10-12 जने चुन्नी लाल भी है जी इनके साथ, वीडियो में सब ही आए, जो वीडियो बनाई है ना वो सब ही आए जी वीडियो में। तोड़ा गया तो पानी फिर किन गांवों में गया? ये जी लोकों तनो स्लेम पर खनपराड़ ली, इन सभी गांवों और जिन तार वाला होते हैं आगे निकल गया जी। बंदा भी मर गया गांवों में, आदमी के भी जाते एक कहां एक बंदा मरने की खबर आ रही जी, पता जी कहां का क्या था। छतपर का, छतपर का, अच्छा छतपर का, एक हां छतपर का मर गया, सतपाल था जिसका नाम, वो मर गया। हम तो सही समाधान करने वाला है, 21 में पटरी बंधवाई थी हमने, पर जी 21 में जी, और इन्होंने उसी टाइम को बंद तरह से सोम नदी में जो बाढ़ आ गई थी, तो किस तरह की स्थिति है अभी? स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और जैसे ही इरिगेशन वालों को डिपार्टमेंट को डायरेक्शन भी दे दी गई है, जो जो लूप होल थे और जो जो चीज़ें थी वो पूरी करी जाएं और जल्द से जल्द सुरक्षित बांध बनाए जाएं, ताकि लोगों को दोबारा इस समस्या का सामना ना करना पड़े। सर कुछ लोगों ने जाम लगा दिया था, क्या मांग थी उनकी? उनकी मांग ये थी कि जो बांध टूटा है उस बांध पर दोबारा मशीन लगा के उस बांध को पूरा करवाया जाए, तो मशीन बुला ली गई है, अगले 5 से 10 दिन में मशीन आके उस बांध के कार्रवाई कार्य दोबारा से शुरू करवा देंगे, ताकि वो बांध पूरा बना के अगली वर्षा से पहले पहले लोगों को सुरक्षित किया जा सके। सर ऐसा ना एक वीडियो है कि ब्रिज हुआ, इसमें कुछ लोगों ने बांध काटा, जिन लोगों ने भी बांध काटा जो भी चीज़ हुई है उस चीज़ पर सर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, FIR हो चुकी है, तो जो भी कानून के तहत रहते हुए जो कार्रवाई होगी वो पूरी करवाई जाएगी। केबिया पट्टी को तुरंत इसको बनवाया जा, जो अभी भी होते अभी भी जो पानी बचाया बक रहा बचाया पानी बकाया वो गांव लोपो में जाएगा देख लो, त्याणी में जाएगा देख लो, क्योंकि बाहे में पानी नहीं है, बाहे में कहीं पानी नहीं है, पानी 20 गो आम गाड़ी, और जो मैं बंदे जिन्होंने पटड़ी तोड़ी उनको अरेस्ट करा जा। बचाने के चक्कर में 25 गो वोट बोए थे, और साल यही हुआ 25 गो के तरफ नहीं कोई ख्याल करता, चलो फसल तो जैसी कैसी हो ही रही थी, इब तो यो घर में घुस रहा पानी लोग के, ये भी हाल भी देखा देखो 5-3 फुट तो भी हाल प्यो अड़ोली त्याणो सलेम पर खनोड़ा उर्जनी सारे गोवा में पानी बढ़ रहा घर में, यहाँ सब कैसे मतलब अरे गो मे आदमी अरे पटड़ी भी पटड़ी तो भाई हर साल बना हर साल टूट जा, हर साल बना हर साल टूट जा, अरे यह तो तोड़ी गई भाई, यह तो तोड़ी गई है, सब जने सब आदमी थे यहाँ कल सवेरे तोड़ी गई है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें तोड़ी, जो जितना नुकसान है उनकी भरपाई उनकी जमीन इक्वायर कर सरकार और उनको दवाई जा मलकपुर वाले ने पुल बंद कर क्या वो इसको तो या दो दोबारा दो दर और जोगे जाए इससे पछुआ की तरफ या दो जो बीच में पुल है शिव जी मंदिर के पास उसको खोल लिया जा तक नहीं आया, 8 बजे का वाका है, 8 बजे यहाँ और फ्लो फ्लड आया और भाई और मलकपुर के हम मौके पर मौजूद थे, मलकपुर वाला ने कहा कसियों थे पट्टी मारे सामने तोड़ी थी, जबकि पुलिस भी यहाँ थी, पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा गया, पट्टी तोड़ दी और जो नंबर एक लोपो त्याणो सलेमपर खानपर डोली उर्जनी खनपरी दादूपर सैनी इन लोगों का जो मलकपुर लोगों ने यह पटड़ी तोड़ी गई, मगर अपनी पटड़ी तोड़ने से ही इन सारे लोगों का नुकसान हुआ, अदरवाइज पटड़ी ना टूटती ना मलकपुर निवासी पटड़ी तोड़ते तो यहाँ से यह पानी इन गांव में नहीं घुसता था, क्योंकि 4-5 बार पहले भी पानी आ चुका है, उसके बाद पानी सीधा छछरौली चले गया, यह पटड़ी कल मारे सामने मैं मौके पर था कसे तो पटड़ी तोड़ी और सभी लोग थे और पुलिस भी गवाह है, PCR भी यहाँ खड़ी थी, 2 पुलिस कर्मी थे यहाँ, किसी की उन्हें ना माननी पुलिस के सामने पटड़ी तोड़ी गई यहाँ, और दोबारा ले 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 ले
हमारी सारे गांव की इतनी हालत माड़ी है, कोई बाहर से आकर देख भी नहीं सकता, इतना बुरा हाल हमारा हो गया। हम कोठियां पर बैठे हैं, सारे जितने गांव, एक बंदा मर गया है चंदपुर में पानी के बखलाट से। और ये हर साल क्यों टूटती है, चाहे 50 बार इसको बना लो, ये टूटेगी जब तक ये नाका नहीं खुलता मलकपुर वाली पट्टी का। उस पुल को इन्होंने बंद कर दिया, उस पुल को बंद कर दिया इन्होंने, और एक पुल में पानी काट दिया, एक में से निकलता नहीं, दो बाहे इसमें वैसे ही बंद हो रहे। बताओ कैसे पानी कहाँ जाएगा, पीछे ही टूटेगा।